बिहार सरकार के अधीन सभी विभागों के अंतर्गत बिहार राज्य मुकदमा नीति 2011 के अनुपालन हेतु विभागीय अधिकार प्राप्त समिति एवं विभागीय शिकायत निवारण समिति का गठन किया जा चुका है। उक्त समिति की बैठक का आयोजन संबंधित विभाग के द्वारा समय समय पर किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति की बैठक का आयोजन समय समय पर किया जाता है, जिसमें आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन पर समीक्षोपरांत अपेक्षित निर्णय लिए जाते हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट करना है कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश से संबंधित सदृश मामलों में समीक्षोपरांत लाभ प्रदान किया जाता है। आपके माध्यम से सदन को भी बताना चाहूंगा, बिहार गजट के खंड सी में हम पढ़ना चाहते हैं, उसमें ए गुड नंबर ऑफ केसेस आर फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ सिमिलर केसेस, ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विल एम टू कंसीडर एंड सेटल द क्लेम ऑफ द रिप्रेजेंटेशनिस्ट एप्लीकेंट इम्प्लाई सिटीजन इफ द क्लेम इज फाउंड कवर्ड बाय एनी डिसीजन ऑफ द कोर्ट। Many service matters of this nature can be disposed of at the level of the department. Department के बारे में कहा जा रहा है, ये गजट में है। उसके बाद है महोदय, department itself without compelling the litigant to come to the government, come to the court. In this manner, the government departments would be acting as efficient litigants. विभाग litigant की तरह काम कर रही है। बहुत सारे मामले हैं, शिक्षा विभाग को ही ले लें तो विद्यालय सेवा बोर्ड के मामले हैं, प्राथमिक शिक्षकों के मामले हैं, नियोजित शिक्षकों के मामले हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, लेकिन महोदय बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। इसमें लोक कल्याणकारी सरकार जो भी होती है वह लिटिगेंट का काम नहीं करती है, लेकिन विभाग के पदाधिकारी अपने पक्षपाती और तिक्रमी रवैये से सरकार को कोर्ट में खड़ा करती है। और हम तो आपके माध्यम से यह भी जानकारी चाहेंगे मंत्री महोदय से, ऐसे कई मामले हैं जिसमें जो लाभार्थी को राशि मिलेगी उससे अधिक खर्च कोर्ट में वकीलों पर खर्च किया जाता है। और जहां तक मॉनिटर करने की बात है, वो ध्यानाकर्षण के अंतिम खंड में है, लेकिन शुरू के खंड में है, जो कि अब सरकार जब खुद लिटिगेंट नहीं बन सकती, सरकार लोक कल्याणकारी होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। समय समाप्त हो रहा है, पूरक पूछे ना उसका उत्तर देंगे। इस स्थिति में मंत्री महोदय ने स्पष्ट नहीं किया। माननीय मंत्री, समरूप मामलों में नीति जो है, समरूप मामले में मिलना चाहिए सबको एक प्रकार का लाभ। सरकार कहती है कि जिसने कोर्ट में मुकदमा दायर किया है उसी को लाभ देंगे। अगर न्यायालय का निर्णय विपरीत गया तो समरूप मामले में सबको दंड दे दिया जाता है। हम ये पूछना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से कि अगर ऐसे मामले हमारे संज्ञान में आ रहे हैं सदन के, तो हम किस अधिकारी के पास आवेदन दें कि समरूप मामले में माननीय मंत्री जो मुकदमा नीति है उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। समय समाप्त हो रहा है, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात में है। माननीय सदस्य ने जो कहा वो निगेटिव मामले सब पर थोप दिए जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव मामले में सिर्फ कहा जाता है। ये बात तो स्पष्ट कर दिया गया, आदि को ही प्राप्त होगा। मेरा है कि जब बिहार राज्य मुकदमा नीति 2011 स्पष्ट कहता है कि समरूप मामले सब पर प्रभावी हो, क्या मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता कि चाहे वह शिक्षा विभाग हो या अन्य विभाग, खासकर शिक्षा विभाग, सभी विभाग, अब हम शिक्षा विभाग का स्पेसिफिक हम पूछ रहे हैं, वह माध्यमिक सेक्टर हो या उच्च माध्यमिक उच्च शिक्षा का सवाल हो, ऐसे कई मुकदमे जो समरूप हैं सब पर प्रभावी नहीं होते हैं और फिर उसको मुकदमा करने के लिए शिक्षकों को माननीय मंत्री जाता है। नहीं सर, हो गया, आप बैठिए, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। विभाग क्या ऐसे मुकदमों के जो जजमेंट आए हैं वह समरूप लागू नहीं हुए हैं, क्या इसकी जांच कराकर इस सदन को अवगत कराएगी कि आज तक इन पदाधिकारियों ने इस तरह के समरूप मुकदमों में सरकार का पैसा जाया किया है कोर्ट जाकर,
इस पर एक प्रतिवेदन सदन को वह क्या देना चाहेंगे जांच कर कि ऐसे माननीय मंत्री। सभापति महोदय, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य जो अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं थोड़ा सा वास्तविकता से भिन्न बातें हो रही हैं। सरकार पूरी तरह से इस बात के लिए चिंतित है कि बहुत सारे विभागों में अनावश्यक रूप से मुकदमा की संख्या बढ़ती जा रही है, सरकार का पैसा भी खर्च होता है और बहुत तरह की परेशानियां आती है। इसी को ध्यान में रख करके सरकार ने मुकदमा नीति 2011 के तहत सभी विभागों का, मेरे पास सूची है, मैं उपलब्ध करा देता हूं आपको, सारे विभागों में इस तरह के का गठन किया जा चुका है और उसके लिए नोडल पदाधिकारी बना दिए गए हैं। परिवहन विभाग, वाणिज्य कर विभाग, जल संसाधन विभाग, सारे विभागों की इसमें सूची है। आप सदृश कर्मियों को कोर्ट के न्याय निर्णय का लाभ क्यों नहीं दिया जाता है, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूं। मैं तो माननीय मंत्री के वक्तव्य से सहमत हूं, सभी विभागों में समिति बनी है। माननीय मंत्री लाभ के बारे में पूछ रहे हैं माननीय सदस्य। ये जो गठन किया गया है महोदय, ये उसी को ध्यान में रख के किया गया है ना कि लोगों को इसका लाभ मिले। 2011 के और 2011 है आज के दिन। You could have loved me, and no one ever would have dared to tread on me.